तक किसने बोला अच्छा नहीं है। लेकिन लोग तो ना खुश हैं हार्दिक पांड्या के, क्योंकि रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफीज जिताई हैं, उस पे क्या कहना है? तो कैप्टन पसंद है। कैप्टन तो चेन्नई और आरसीबी का मैच है, किसको सपोर्ट करोगे? आरसीबी, चेन्नई। अभी तो आपने कहा आप आरसीबी के फैन हो। चेन्नई धोनी पहले पहले पहला मैच जीतना चाहिए उसको, इसलिए रहेगा भाई, शेर है वो। टीम फेवरेट है सीएसके, सीएसके धोनी। क्यों? धोनी की वजह से, बस इमोशन। फोड़ेंगे भाई, फाड़ देंगे भाई, जीतेगी भाई दिल्ली, जीतेगी भाई। क्या लगता है शिखर का लास्ट आईपीएल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज शिखर धवन कैन प्रूव हिमसेल्फ। जी है, क्योंकि कुछ साल बचे हैं धोनी के क्रिकेट में, तो वो कैप्टनसी में ही खेले तो और अच्छा रहेगा। फैंस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर रंगरेज में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 की शुरुआत होने वाली है, जिसका पहला मैच भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज MS धोनी और विराट कोहली की टीम CSK और RCB के बीच खेला जाएगा। तो आज हम आए हैं अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और लोगों से ये जानने कि कौन सी टीम को वो कर रहे हैं सपोर्ट, किन खिलाड़ियों के लिए दिख रहा है लोगों का प्यार। आइए फिर चलते हैं। अभी IPL 2024 की शुरुआत होने वाली, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? RCB। RCB आपकी? मुंबई। मुंबई क्यों? अच्छा लगता है मतलब देखना उनको। क्या अच्छा लगता है मुंबई में? मतलब उनका मैच अच्छा, वो अच्छा खेलते हैं, इसलिए मेरे को तो कैप्टन पसंद है। कैप्टन तो रोहित शर्मा को हटा दिया गया, हार्दिक पांड्या को बना दिया गया। अच्छा है, किसने बोला अच्छा नहीं है? लेकिन लोग तो ना खुश हैं हार्दिक पांड्या के, क्योंकि रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफीज जिताई हैं, उस पे क्या कहना आपका? होना तो उसको चाहिए था। आपको क्यों अच्छा लगती है RCB? विराट कोहली। चीकू भाई, चीकू भाई। अच्छा अभी जैसे विमेंस IPL जीत गई हैं RCB वाली, तो क्या लगता है मेंस अब जीत सकते हैं? 17 साल का वो वेट खत्म करेंगे? ज़रूर करना चाहिए, हम तो वेट कर रहे हैं कब जीतेगी RCB, बट वी वर सो हैप्पी जब वुमेन्स टीम जीती RCB टीम। आप क्या कहोगे? खुशी तो होती है सबको। अच्छा मुंबई या RCB, रोहित शर्मा विराट कोहली में से क्या लगता है कौन इस बार ज़्यादा रन बनाएगा? विराट। जी को भाई। और क्या लगता है जैसे अभी IPL इलेक्शन की वजह से बीच में रुकेगा, तो क्या लगता है कौन सी टीम पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का रिफ्लेक्शन होएगा, कौन सी टीम को नुकसान हो सकता है? RCB। आई थिंक फ़ायदा तो गुजरात टाइटंस का होना चाहिए, पर नुकसान कुछ है ना, तो मतलब अब नुकसान बाकी सब सारी टीम्स का हो सकता है अगर उसको प्रिविलेज मिलेगी तो। तो अच्छा कल चेन्नई और RCB का मैच है, किसको सपोर्ट करोगे? RCB, चेन्नई। अभी तो आपने कहा आप RCB के फैन हो। चेन्नई धोनी पहले पहले पहला मैच जीतना चाहिए उसको। चेन्नई, चेन्नई। अच्छा चेन्नई और RCB के लिए क्या कहना चाहोगे? All the best, जीतो, जौन सा भी जीतेगा हमारे लिए तो अच्छा ही अच्छा है। We are happy, दिल से। अच्छा IPL 2024 की शुरुआत होने वाली है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट टीम CSK है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ धोनी को देखने के लिए कि इस बार क्या रोल करेगा वो। अच्छा धोनी का क्या लगता है लास्ट IPL हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है धोनी एक आईपीएल और खेलेगा इसके बाद। लेकिन अब उन्होंने कैप्टनसी भी छोड़ दी, अब गायकवाड को कैप्टन बना दिया गया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं साइन मिल रहे हैं कि वो इस साल लास्ट है? हाँ जैसे लास्ट टाइम भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में, जडेजा को कैप्टनसी दी थी, इस टाइम भी स्टार्टिंग में दिया है, अगर वो वर्क करता है तो शायद हो सकता है वो ना खेले अगली बार, लेकिन नहीं करेगा तो शायद एक और IPL खेल सकता है वो। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इस बार धोनी ने बाल लंबे वगैरह करे और उन्होंने कहा भी था कि इस बार मैं कुछ नया करूँ, क्या लगता है ऊपर बैटिंग करते हमें दिख सकते हैं? मेरे हिसाब से ऊपर बैटिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बाकी को चांस देना चाहेंगे जो भी टीम में है। मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम उनका रोल था लास्ट में आके विकेट्स मारने का, वही करेंगे सेम। बाकी लंबे बॉल तो वो ऑफकोर्स फैंस की वजह से, क्योंकि फैंस चाहते थे कि ऐसा हो और वो करना अच्छी बात है। और कल CSK और RCB का मैच है, क्या लगता है धोनी को कोहली इस बार छोड़ देंगे पीछे या धोनी फिर से भारी पड़ेंगे? धोनी ऑब्वियसली चेन्नई जीतेगी इस बार भी, बस यही कहूँगा मैं। 2024 की शुरुआत होने वाली है, कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई बी वेटिंग फॉर IAS। कौन सी टीम फेवरेट है? RCB। क्यों? विराट कोहली ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, इसलिए। अभी WPL भी RCB की वुमेन्स जीती हैं, तो क्या लगता है जैसे वो तो 2 साल में जीत गई, अब जो मेंस है 16 साल से नहीं जीते, क्या इस बार वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे? होप तो यही है तोड़े, बाकी देखते हैं फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच में क्या होता है। जैसे लोग की तोड़े जैसे लोग कह रहे हैं कि RCB की बॉलिंग कमज़ोर है इस साल, तो आपको क्या लगता है कमज़ोर है सच्ची में? थोड़े प्लेयर्स हैं बट कभी कभी लाइक वो पास्ट में जो भी देखा है कमज़ोर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा परफॉर्म करे और विन करे। कल RCB और चेन्नई का मैच है, क्या लगता है इस बार धोनी हरा देंगे कोहली को? धोनी तो धोनी है बट ओके, RCB मैं चाहता हूँ दिल से कि RCB जीते, बट
लाइक चेन्नई भी फेवरेट है, तो टफ मैच, सो आई रियली होप कि आरसीबी जीत जाए। अच्छा, आरसीबी को क्या मैसेज दोगे? प्ले वेल एंड प्ले हार्ड प्ले बोल्ड। अभी आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली है, कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा भाई। क्यों भाई? दिल्ली जीतेगी इस बार, इसलिए एक्साइटेड है भाई। दिल्ली क्यों जीतेगी, क्या लगता है भाई? दिल्ली फेवरेट है भाई, टीम अच्छी है भाई, प्लेयर अच्छे है भाई। पंत वापस आ रहा भाई इंजरी के बाद। क्या लगता है ऋषभ पंत जो वापसी कर रहे हैं, अब उनका खेल वैसा रहेगा पहले जैसा या क्या? बढ़िया होगा भाई, बहुत फोड़ेंगे भाई, फाड़ देंगे भाई, जीतेगी भाई दिल्ली, जीतेगी भाई। और दिल्ली का परसों मैच है पंजाब के साथ, क्या लगता है? पंजाब की टीम भी काफी स्ट्रांग है, दिल्ली हारेगी? दिल्ली जीतेगी भाई, पंजाब हारेगी भाई। और आज तक अब जैसे पंत अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हमेशा से सिनेरियो रहा है, बहुत प्लेयर को रिलीज करती है, लाती है, रिलीज करती है, उस पर क्या वो यंग टैलेंट को मौका देती है ज्यादा भाई। इस बार भी देगी, इस बार भी अच्छा खेलेगी। डेविड वार्नर चलेंगे इस बार? चलेंगे भाई, फॉर्म देखो अभी, क्या कितनी बढ़िया फॉर्म थी उनकी बीपीएल में। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है, क्या मैसेज दोगे दिल्ली को? इस बार रोर मचाएगी दिल्ली? हाँ, हक से भाई, हक से मचाएगी दिल्ली, जीत के आएगी इस बार। पंत आ रहा है, कहते हैं आपका क्या कहते हैं उसमें, वार्नर हो गया और मार्श हो गया, फोड़ेंगे इस बार, देखिए अच्छे से फोड़ेंगे, क्वालिफाई कर जाएगी आराम से भाई, फाइनल जीतेगी, फाइनल बात करते हैं। अच्छा, अभी विमेन दिल्ली हारी है दोनों फाइनल, दो सीजन हुए हैं, दोनों फाइनल हारी है भाई, सीखेगी। आरसीबी जीती उसके लिए भी खुश है भाई। अभी आईपीएल 2024 शुरू होने वाले, कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। कौन सी टीम फेवरेट है? आरसीबी। क्यों? बिकॉज ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली के अलावा कोई नहीं अच्छा लगता? विराट कोहली, वैसे ऑब्वियसली रोहित शर्मा भी अच्छा लगता है, पर उसको मुंबई ने कैप्टन नहीं बनाया, इसलिए मुंबई को नॉट सपोर्ट, ओनली आरसीबी सपोर्ट। तो पहले किसको करते थे? रोहित शर्मा तो इस साल आता है, ऑल टाइम आरसीबी सपोर्टर। और कल आरसीबी और चेन्नई का मैच है, धोनी वर्सेस कोहली का, क्या लगता है कौन जीतेगा? कोहली जीतेगा, सिंपल सा है। लेकिन आरसीबी हमेशा हारती है चेन्नई से, और चेन्नई में मैच है भाई। इस बार आरसीबी वुमेन्स ने जीता है, तो आरसीबी बॉयज भी जीतेंगे, सिंपल सी बात है, इस बार तो पक्का है, जीत के दिखाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत ख़राब है, सब कुछ है, जीत नहीं पाएंगे, बैटिंग हमेशा अच्छी होती है, उस पर क्या कहना है? भाई 400 रन बना देगी, कौन बनाएगा? लेकिन चेन्नई की विकेट तो स्लो है भाई, विकेट का फ़र्क नहीं होता। देखो चेन्नई में तो फर्स्ट मैच चेन्नई में नहीं है, वन खेड़े चेन्नई, कल का मैच चेन्नई में। ओके, तो देखते हैं कौन जीतेगा, पर वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आरसीबी जीतेगी। क्या लगता है विराट कोहली का जो वर्ल्ड कप में फॉर्म था, जो पिछले साल से फॉर्म था, ब्रेक के बाद वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा भाई, शेर है वो। आरसीबी के लिए कुछ स्पेशल मैसेज? बस इस बार कप नाम दे। लड़कियों ने तो इस साल कप नमदू कर दिया, अब लड़के क्या कर सकते हैं? नमदू को, नमदे को नमदू कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, आरसीबी कुछ भी कर सकती है, हारा हुआ मैच जीत भी सकती है, जीता हुआ मैच हार भी सकती है। अभी आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली, कितने एक्साइटेड हो? मॉडरेटली, क्योंकि पिछली बार से बहुत कम हो गया है, क्योंकि ना इतने सारे मैचेस होते हैं, तो ना थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है बीच बीच में। मतलब पहले जब आईपीएल आता था, जब हम तो छोटे ही थे उस टाइम बहुत क्रेज था, क्योंकि मतलब नया नया शुरू हुआ था ना, और सारे प्लेयर्स को, नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर को मतलब सपना था कि एक ही टीम में खेलते हुए देखना, तो इसलिए इस वजह से एक्साइटमेंट थी लोगों। कौन सी टीम फेवरेट है? सीएसके। क्यों? धोनी और बाकी प्लेयर्स भी मिला, बट धोनी का क्रेज तो टॉप लेवल ही है। अच्छा, धोनी का लोग कह रहे हैं कि लास्ट आईपीएल हो सकता है, लगता है लास्ट होगा? मैं तो कह रहा हूँ अगर हो ना भी हो, आई विल स्टैंड विद हिम, ये है मेरा पॉइंट। तो क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको रिटायर हो ही जाना है, बट धोनी जितना खेला है तो इनफ है वो लोगों को मतलब सेटिस्फेक्शन देने के लिए, बहुत सही खेला धोनी ने। क्या लगता है धोनी के बाद भी चेन्नई को ही सपोर्ट करोगे? करेंगे तो सही, मतलब करना तो पड़ेगा, अगर लॉयल फैंस है तो करेंगे ही, डिपेंड करता है कैसे खेलती है वो भी। अच्छा, धोनी के अलावा कौन आपको लगता है कैप्टन बन सकता है चेन्नई का? अभी तक तो इतना आइडिया तो मैंने देखा नहीं, बट उसकी जो कैप्टेंसी है ना, वो मेरे को अभी तक की बेस्ट लगी, इधर इट्स इन इंडियन टीम और इट्स इन सीएसके, मेरे को बेस्ट थी। आई थिंक जडेजा कैन फुलफिल द स्पॉट ऑफ कैप्टन। लेकिन जडेजा बने थे दो साल पहले, वो चले नहीं। और भी प्लेयर्स हैं जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, या और भी मतलब एक आध प्लेयर्स को चांस तो मिलना भी चाहिए। क्या लगता है जब तक धोनी रिटायर नहीं होते उनको अपने कैप्टन बना देना चाहिए, जिससे वो थोड़े प्रिपेयर भी होते धोनी के देखा देखी में? जी, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ साल बचे हैं धोनी के क्रिकेट में, तो वो कैप्टनसी में ही खेले तो और अच्छा रहेगा, फैंस के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि जो अगर सीएसके को बेटर लगता है अपने हिसाब से, उनको वो डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि किसी कहते दबाव में आके लेंगे तो फिर हो सकता है टीम कहते हैं ख़राब परफॉर्म करे। क्या लगता है धोनी का जो इस बार का लुक आया, अपने पुराने 2004 वाले जो धोनी लंबे बालों में खेले, क्या लगता है वही 2004 वाला रूप दिखेगा ऊपर आके जो बैटिंग करते थे धोनी? देखो दिखना तो चाहिए, देखो धोनी का तो परफॉर्मेंस तो हमेशा ही टॉप लेवल रही है,
तो मेरे हिसाब से दिखेगा तो अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। दिखे ना दिखे आई विल सपोर्ट हिम। कल CSK और RCB का मैच है, क्या लगता है चेन्नई में मैच है, क्या धोनी फिर से कोहली पे भारी पड़ेंगे? मेरे को तो लगता है हाँ पड़ेंगे बिल्कुल। या कोहली इस बार मार जाएंगे बाजी? कुछ कह नहीं सकते बिकॉज मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। या मैं तो CSK को ही सपोर्ट करूँगा। फिर भी कोई मैसेज चेन्नई के लिए? ऐसा तो नहीं है लेकिन हाँ ऑल द बेस्ट, ये तो पक्का ऑल द बेस्ट, पूरा सपोर्ट है फैंस की तरफ। छठी बार टाइटल आ सकता है? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। छठी टाइटल IPL 2024 की शुरुआत होने लगी, कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। कौन सी टीम फेवरेट है? पंजाब किंग्स। क्यों? बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब एंड वहाँ प्लेयर्स काफ़ी मेरे को डिस्ट्रक्टिव और अच्छे लगते हैं। अच्छा, शिखर धवन कैप्टन है पंजाब के, क्या लगता है पंजाब की टीम हमेशा अच्छी होती है, अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके पास लेकिन वो जीत नहीं पाती, क्या रीज़न? आई थिंक बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। पंजाब की मैनेजमेंट हर समय कॉन्स्टेंट चेंजेस करती रहती है क्योंकि लास्ट 16 सीजन से वो 15 कैप्टन चेंज कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस बार भी उन्होंने इंडियन ऑर्डर, अपना जो इंडियन कोर है उसको ढंग से ट्रेन नहीं किया, शाहरुख खान को रिलीज़ कर दिया। बट आई थिंक इस बार कर सकते हैं हम क्वालिफाई बिकॉज हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, हर्षल पटेल के इंक्लूजन से हमारी बॉलिंग लाइनअप और अच्छी होगी। क्या लगता है पंजाब किस पे डिपेंड करेगी, अपनी बैटिंग पे या बॉलिंग पे? आई थिंक दिस सीजन ऑन बॉलिंग, बट वैसे पंजाब बैटिंग के लिए जानी जाती है लेकिन आई थिंक दिस सीजन बॉलिंग बिकॉज मैनी प्लेयर हैज़ टू प्रूव फॉर T20 वर्ल्ड कप। जितेश शर्मा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर्षदीप के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और शिखर धवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, तो आई थिंक दिस ईयर एवरीवन हैज़ टू प्रूव समथिंग। क्या लगता है शिखर का लास्ट IPL हो सकता है? आई डोंट थिंक सो बिकॉज शिखर धवन कैन प्रूव हिमसेल्फ। और पंजाब का हमने देखा है होम ग्राउंड चेंज हो गया है, अब वहाँ पे मोहाली में मैचेस नहीं होंगे, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा उनकी टीम कॉम्बिनेशन पे? बिकॉज अभी नया मुलानपुर में स्टेडियम बना है एंड आई विजिटेड दैट एंड उसकी जो पिच है वो काफ़ी फास्ट बॉलिंग को सूट करेगी और मेरे को लगता है उसकी बाउंड्रीज बहुत वाइड हैं और हर्षल पटेल को भी काफ़ी फायदा होगा क्योंकि एज अ चिन्नास्वामी के अंदर बहुत छोटी बाउंड्रीज हैं, तो मेरे को लगता है हर्षल पटेल को काफ़ी सूट करेगा वो ग्राउंड भी और पंजाब की बॉलिंग भी आई अच्छी। मतलब परसों पंजाब और दिल्ली का मैच है, कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है जीत जाएगी पंजाब? पक्का। ऋषभ पंत जो शिखर धवन के जिगरी दोस्त हैं, एक्सीडेंट के बाद वापस आ रहे हैं, क्या लगता है वो वैसे ही खेल पाएंगे जैसे पहले खेलते? आई थिंक पहले जैसा तो मुश्किल है क्योंकि ऋषभ पंत को भी 2-3 मैच लगेंगे मेरे को लगता है वापस गेम के अंदर आने में क्योंकि आपको एनवायरनमेंट लेने में टाइम लगता है जब आप एक साल से बाहर होते हैं, तो मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत को 2-3 मैच लगेंगे लेकिन वो आ जाएगा। पंजाब के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? या बेस्ट ऑफ लक साडा पंजाब, थैंक यू। 2024 स्टार्ट होने वाले, कितने एक्साइटेड हो? काफ़ी ज़्यादा। आप? बहुत ज़्यादा। कौन सी टीम फेवरेट है? गुजरात टाइटंस। RCB। मुंबई। मुंबई क्यों ऐसी? क्या अच्छा लगता है मुंबई में? टीम नाइस है एंड लाइक जीतते भी रहते हैं तो मजा आता है उनका मैच। कौन सा प्लेयर फेवरेट है? रोहित शर्मा। आपका? रोहित शर्मा, बचपन से उसे सपोर्ट करते आया हूँ। तो देखो मैं क्रिकेट इतना देखता नहीं हूँ पर गुजरात से हूँ इसलिए गुजरात टाइटंस बस। विराट कोहली। अच्छा, मुंबई ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया, उसके बारे में क्या कहना? इतना भी नहीं देखती बस कट गलत किया, मुझे तो लगता है अच्छा कैप्टन था। 5 ट्रॉफी जिताई है रोहित शर्मा ने मुंबई को, तो क्या लगता है अब भी प्यार बना रहेगा मुंबई के लिए? हाँ हाँ ऑफकोर्स, फैंस टीम्स के होते हैं, प्लेयर्स के थोड़ी ना होते। आप बताओ, गुजरात से हार्दिक पांड्या वापस मुंबई चले गए हैं, उस पर क्या कहोगे? दुख हो रहा है। क्या कहना चाहोगे मुंबई के सपोर्टर को, आपके हार्दिक को वापस ले लिया? अब ठीक है, हमारा हार्दिक था वो। क्या लगता है हर वापसी हो गई? और क्या लगता है पैसों के लिए हार्दिक पांड्या ने ऐसा करा है? अब पैसे ज़्यादा मिल रहे होंगे तभी गया होगा। हाँ मतलब डेफिनेटली उसी वजह से गया है और कोई रीज़न नहीं है। क्या लगता है अभी विमेंस भी RCB का IPL जीती हैं, तो क्या लगता है इस बार मेंस कुछ कर सकते हैं? हाँ इस बार शायद जीत सकती है। कौन सा प्लेयर विराट कोहली के अलावा क्या लगता है कौन जिस पर डिपेंड करेगी RCB? विराट कोहली के अलावा तो और किसी पर उतना है नहीं क्योंकि विराट कोहली। अच्छा, लोग कह रहे हैं बॉलिंग ख़राब है RCB की, आपको क्या लगता है? RCB की बॉलिंग ख़राब है पर बैटिंग तो अच्छी है, कम से कम बैटिंग के ऊपर जीत सकते हैं वो। मैसेज क्या देना चाहोगे मुंबई को? इस बार कप अपना, इस बार वापस जीतना। हाँ। और क्या कप नाम दे? वो ई साला कप नाम दे होते भाई। इस बार कप नाम दे। IPL 2024 की शुरुआत होने वाली है, कितने एक्साइटेड हो? काफ़ी एक्साइटेड हैं, कल ही से हो रही है 22 जी। सेम। कौन सी टीम फेवरेट है? कोलकाता नाइट राइडर्स। आपकी? चेन्नई। क्यों? थल्ला फॉर रीजन। आपकी क्यों फेवरेट है? क्या एक तो हमारी बंगाल को रिप्रेजेंट करती है सबसे पहली बात,
और दूसरी बात ये है कि गौतम गंभीर जो हीरो थे हमारे 2011 के, बट ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड, उन्होंने हमें 2 बार टाइटल जिताया, दैट्स वाई। अच्छा, कल आरसीबी और चेन्नई का मैच है, क्या लगता है धोनी फिर से भारी पड़ेंगे? ऑफ कोर्स यार, वो चेन्नई है और आरसीबी की तो थोड़ी वैसी ही है अभी भी, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी नहीं है उनकी, मतलब अगर देखा जाए तो। केकेआर में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? केकेआर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कमबैक। अच्छा, पिछले साल रिंकू सिंह ने कमाल करा था 1 ओवर में 5 छक्के मार के, तो क्या लगता है केकेआर का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो? दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट और दिल में भी छप गया है वो थोड़ा। क्या लगता है केकेआर की जो फ़ैन फॉलोइंग है कहीं ना कहीं शाहरुख खान की वजह से भी है? हाँ, कहीं ना कहीं तो है ही। एक्चुअली नॉर्थ में मेरे भी फ्रेंड्स है, दे डोंट सपोर्ट केकेआर जस्ट बिकॉज ऑफ गंभीर और क्रिकेटर्स, दे सपोर्ट देम बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, सेलिब्रिटीज लाइक दैट। अच्छा, क्या लगता है धोनी के बाद कौन होगा नेक्स्ट कैप्टन चेन्नई का? गायकवाड उनका आखिरी हो सकता है आईपीएल धोनी का? हाँ, वो तो है शायद आखिरी हो, लेकिन ठीक है, जो आता है वो जाता भी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, चेन्नई और केकेआर का हमने काफ़ी मैचेस देखे, बहुत अच्छे राइवल्स हैं दोनों, तो इस बार क्या लगता है जो मैचेस होंगे उनके दोनों कौन किस पर भारी पड़ेगा? चेन्नई, मैं तो चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ इसका, देख लो केकेआर, देखते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा फिर। अच्छा, केकेआर सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करेगी एज मतलब किस चीज़, किस प्लेयर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड? सबसे ज़्यादा एक तो मिच नहीं करेगी। अच्छा, स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, क्या लगता है स्टार्क खेलेंगे इस बार पूरा सीज़न? खेलना तो चाहिए, पर देखते हैं, बस इंजरी ना हो जाए। अच्छा, केकेआर को क्या स्पेशल मैसेज दोगे? जैसे खेल रहे हो खेलो, गिव योर बेस्ट एंड नेवर गिव अप, यू आर ऑलवेज अ चैम्पियन एंड विल बी अ चैम्पियन। आप क्या बोलोगे धोनी और सीएसके को? बस अपना बेस्ट दो यार, और धोनी है कोई टेंशन नहीं है, आके वो मार ही देगा। अभी आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली है, कितने एक्साइटेड हो? वेरी एक्साइटेड, मतलब आईपीएल जैसे डब्ल्यूपीएल भी हमारी आरसीबी जीत चुकी है, तो अब वेट कर रहे हैं कि इस बार आईपीएल भी आरसीबी जीत जाए और ट्रॉफी ड्रॉ टू स्कोर हो जाए। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस। आपकी? मेरी मुंबई इंडियंस है। क्यों? क्योंकि लाइक फेवरेट है तो फेवरेट है। आपकी क्यों फेवरेट है ना? लेकिन रोहित शर्मा को तो कैप्टनसी से हटा दिया, उसका हम थोड़ी कर सकते, मैनेजमेंट का वो है। क्या लगता है मैनेजमेंट ने सही करा रोहित को हटा के? बिल्कुल नहीं, जो मतलब जो काम उन्होंने करा है अपनी उस फ्रेंचाइजी के लिए वो कोई नहीं कर सकता। डिसरिस्पेक्ट करी गई है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा? कहीं ना कहीं तो काफ़ी हद तक करी गई है। अच्छा, अगर बीच मिड सीजन में जैसे हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते रहते, अगर वो इंजर्ड होए तो क्या लगता है रोहित शर्मा बनने चाहिए दोबारा कैप्टन? नहीं, वो अब बनेंगे नहीं, उनका वो है, बाकी अब बनेंगे नहीं वैसे तो। अच्छा, आरसीबी अभी वुमेन्स भी जीती हैं, क्या लगता है मेन 17 साल का इंतजार अब खत्म करेंगे? यस फॉर श्योर, ये तो हर साल होता है, इस साल का अपन हम दे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत वीक है, उस पर क्या कहना है? वो तो मैनेजमेंट की गलती है, बाकी कोई बात नहीं, वो पिछली बार भी मतलब आरसीबी की बॉलिंग वीक ही रही है, कोई बात नहीं, इस बार अपना ही है। अच्छा, मुंबई में बुमराह भी इस साल वापसी करेंगे, उनके लिए क्या कहना है? बुमराह जैसे आप देख ही सकते हो सब फ्रेंचाइज में उनका कि बुमराह का कितना वो है, क्रेज़ है, और बहुत बढ़िया ही करेंगे, होप सो। अभी जैसे इलेक्शन की वजह से आईपीएल रुकेगा बीच में, तो क्या लगता है कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान होएगा इससे? ऐसा तो कोई सोचा नहीं, मुंबई इंडियंस सबसे पहले बाहर होने वाली है ना, इसलिए गलत सोच रहा है। अच्छा, क्यों होएगी मुंबई इंडियंस आपके अकॉर्डिंग बाहर सबसे ज़्यादा? क्योंकि हार्दिक पांड्या उनके आप टीम मैनेजमेंट में ही आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है जितनी आरसीबी और बाकी टीम में है। क्या कहना चाहोगे आप इनको? अब तो लगता है वीडियो नहीं देखी, आरसीबी होके 17 साल से इन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती, तो अब क्या ही बोले। क्या लगता है लोग माइंड नहीं करते इतना, चिल बनने हो। क्या लगता है लोग कहते हैं कि अंबानी पैसा खिला के ट्रॉफी जीतते हैं, वो आपको कितनी सच लगती है? सच तो नहीं है, मतलब जीतते तो अपना उससे ही है, डिजर्व भी करती है जो विनिंग का, मतलब मेरा बेस्ट टीम विन वही वाली बात है, जीतते तो अपनी मेहनत। आप हर मैच देख लो, हर मैच में उनके परफॉर्मेंस वो देख लो, प्रूफ एनालाइज कर लो, हर में मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इसलिए जीतना तो बनता ही है। अच्छा, विराट कोहली वर्ल्ड कप के बाद अब खेलेंगे, रेड डॉट फॉर्म में थे वो, क्या लगता है उनकी फॉर्म जारी रहेगी? ही ब्रोक हिज 973 रिकॉर्ड ऑल्सो इन दिस सीजन एंड विन ऑरेंज कैप फॉर द फॉर। अच्छा, कल सीएसके और आरसीबी का मैच है, किसको सपोर्ट करोगे? फॉर श्योर आरसीबी, श्योर श्योर आरसीबी, आरसीबी। धोनी को नहीं करोगे? नहीं, विराट सर के लिए।
मतलब एक तो विराट सर भी डिजर्व करते हैं। अभी आईपीएल 2024 शुरू होने वाले, कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। कौन सी टीम फेवरेट है? सीएसके। सीएसके क्यों? धोनी की वजह से ही बस, इमोशन। अच्छा, धोनी के अलावा कोई अच्छा लगता है सीएसके में? हाँ जी, रविंद्र जडेजा, डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, अब जैसे कह रहे हैं लोग के धोनी का लास्ट आईपीएल हो सकता है, क्या लगता है धोनी खेलेंगे और कैसे? वो तो मतलब जैसे उनकी फिटनेस है फिलहाल, जो अभी देखा जाए तो खेल सकते हैं एक सीज़न और वो। हाँ, वो इस बार भी और नेक्स्ट टाइम भी वो पक्का ही खेलेंगे, उनकी फिटनेस बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमने देखा है पिछले दो सालों में वो ज़्यादा बैटिंग वैटिंग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कीपिंग करते हैं, बैटिंग बिल्कुल लास्ट में आके दो चार बॉल्स के लिए खेलते हैं। क्या लग रहा है, वो अपने आप को खींच रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं फैंस के लिए या क्या? अभी जैसे अभी हाल ही में उनका ट्वीट आया था कि रेडी फॉर अ न्यू रोल, तो अभी क्या पता देखने को मिल सकता है कि वो ऊपर थोड़ी बैटिंग करें, कि उनका नया रोल जो है। और बाकी विकेट कीपिंग और कैप्टेंसी तो उनकी खैर वही मेन है जो देखी जा सकती है टीम में। लग रहा है वो नंबर तीन पे वापस अब बैटिंग करेंगे, क्योंकि अभी शिवम दुबे भी नहीं है, डेविन कॉनवे भी नहीं है, लेकिन तो चेन्नई के पास बैटिंग बहुत है, रहाणे भी हैं। और लेकिन हो सकता है, क्योंकि धोनी ने जो ट्वीट करा उसके हिसाब से सबको यही लग रहा है कि वो न्यू रोल में अभी तीन नंबर पे वापस आएंगे। उनकी कीपिंग, उनकी फिटनेस, बॉडी कितनी अच्छी है, तो सबको यही लग रहा है कि अब है तीन नंबर। क्या लगता है एमएस धोनी के बाद चेन्नई का कौन कैप्टन हो सकता है? मेरे ख्याल से अभी रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़। जडेजा को तो ट्राई करा था एक बार लेकिन वो चले नहीं, बट अभी जो है उन्होंने एक सीज़न और माही भाई के साथ जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने उनको टिप्स वगैरह दिए, तो क्या पता वो अगले सीज़न के लिए रेडी हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी है इस रेस में, क्योंकि वो बहुत कुछ धोनी के साथ उन्होंने सीखा है और धोनी ने ही उनको अपनी टीम में लिया है, तो हो सकता है। अच्छा, कल सीएसके और आरसीबी का मैच है, क्या लगता है कौन जीतेगा? सीएसके। सीएसके कोहली मात दे सकते हैं सीएसके को जिस तरीके का फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, मतलब रन के उसमें मात दे सकते हैं बट धोनी की कैप्टेंसी को मात नहीं दे सकते। जो उनका दिमाग है ना वो किसी के पास नहीं है, वो बहुत ही आगे सोचते हैं, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता वहाँ। तो क्या लगता है, फैफ डू प्लेसी पहले चेन्नई में थे तो चेन्नई उनके खिलाफ उनको जानती होगी अच्छे से, कैसे आउट करना है, कैसी चीज़? बहुत ज़्यादा पता है एम एस धोनी को, आपको पता है उनका माइंड सेट क्या है, उनका दिमाग कितना है, तो वो तो धोनी के पास पूरा है कि कैसे आउट करना है। विराट कोहली का सबका पता है धोनी को, क्योंकि सब उनके अंडर खेले हैं, तो उनको पता है कि क्या उनके लिए रणनीति होनी चाहिए। तो वही है, मतलब पिछला सीज़न भी हमने देखा था फैफ डू प्लेसी को कैसे उन्होंने आउट किया था, उनका मतलब उनका बॉलर्स का यूज़ करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो आउट कर सकते हैं उन्हें। क्या लगता है जैसे इस बार आईपीएल बीच में ब्रेक होएगा इलेक्शंस की वजह से, क्या लगता है कौन सी टीम पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है? मुंबई इंडियंस। मुंबई क्यों? क्योंकि अभी उस काफ़ी विवादों में भी चल रही है वो हार्दिक पांड्या के वजह से, और ऐसे भी काफ़ी लोग अगर हार्दिक पांड्या उसमें इंजर भी हो गए अगर बीच में, मतलब भगवान ना करे इंजर हों, बट अगर इंजर होते हैं तो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस पर मुंबई। क्या लगता है कि हार्दिक जो कैप्टन बने हैं मुंबई की मैनेजमेंट में क्या करा है, रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट करके सही करा नहीं करा? डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते, बट हाँ उनका जो मौजूदा फॉर्म था कि वो वर्ल्ड कप भी हार गए, तो इसलिए उनकी मैंटेलिटी क्या पता बीसीसीआई की थोड़ी चेंज हुई है उससे कि कैप्टेंसी हमें चेंज कर देनी चाहिए, तो क्या पता जीत जाए मुंबई, क्योंकि पिछले दो तीन सीजन से मुंबई जीत नहीं पा रही और बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। वो थोड़ा मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट आगे का सोच रही है कि रोहित के बाद हम, अभी जैसे एक सीज़न चेन्नई ने करा था रविंद्र जडेजा के साथ, तो वही एमआई वाले अपना रहे हैं कि एक सीज़न हार्दिक को भी देखे देखते कि वो कैसी कैप्टेंसी कर रहे हैं रोहित शर्मा के बाद, ये है बनने लायक या नहीं, तो हो सकता है ऐसा। क्या लगता है इससे रोहित और हार्दिक के रिलेशन में कोई दिक्कत आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा प्रैक्टिस मैचों में काफ़ी अच्छी अच्छी बातचीत हो रही है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है दोनों का, तो ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी लोगों की सोच है कि ये है वो है, बट अच्छा है, रिलेशन अच्छा है उनका। अच्छा, सीएसके के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सीएसके के लिए बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि माही भाई को फुल सपोर्ट है और उनको मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे और सीज़न खेले। ऑल द बेस्ट माही भाई। 2024 की शुरुआत होने वाली, कितने एक्साइटेड? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, बट हाँ ये है कि थोड़ा टाइम पास हो जाता है कॉलेज वगैरह के बाद तो देख लेता हूँ थोड़ा सा आईपीएल। तो हाँ, मैं भी बहुत ही कम देखता हूँ, बट मेरे दोस्त बहुत बातें करते हैं तो उनसे पता लग जाता है रिसेंट न्यूज़। कौन सी टीम फेवरेट है? मेरी मुंबई इंडियंस। वैसे मैं ज़्यादा मतलब उसको ही देखता हूँ, उसको ही सपोर्ट करता हूँ मुंबई इंडियंस पर। इस बार तो लिया ही नहीं भाई, रोहित भाई को। आपकी कौन सी फेवरेट है? मेरी तो चेन्नई। क्यों? धोनी भाई, थाला भाई। आपकी? थाला फॉर अ रीज़न। मेरे को तो इसलिए पसंद है क्योंकि पहले लाइक 2015-2016 टाइम में बहुत मतलब कैरन प्लॉट वगैरह तो वो सब प्लेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो इस वजह से उनकी वजह से ही फेमस है। फिर सचिन तेंदुलकर वो भी इसी टीम में था, तो इस वजह से थोड़ा। अच्छा, मुंबई में रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया है, हार्दिक पांड्या को बनाया, उस पर क्या कहना है? मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे हिसाब से आईपीएल एक थोड़ा मतलब पैसे का ही काइंड ऑफ वो होता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि
स्कोर क्रिकेट कह सकते हो, बट हाँ ये वाली बात मुझे इससे इतना ज़्यादा, मेरे को नहीं लगता रोहित शर्मा वगैरह को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा या वैसे तो, बट हाँ ये है कि पर ये चीज़ तो है कि रोहित शर्मा बहुत सीनियर प्लेयर है, तो मतलब ऑफकोर्स उनको थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए, एक कैप्टनसी की बड़ा एक पोजीशन होती है। बट क्या लगता है रोहित शर्मा का बेस्ट बैटिंग निकल सकता है कैप्टनसी से हटने के बाद गुस्से में? हाँ बिल्कुल, वैसे बेस्ट तो बहुत बार दिया है उन्होंने अपना, बट और भी बढ़िया निकल सकता है आईपीएल में अपना बेस्ट। क्या लगता है धोनी का, लोग कहते हैं आखिरी आईपीएल है, आखिरी आईपीएल है, ये हो सकता है उनका आखिरी? ना हो तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से लास्ट हो जाना चाहिए। क्यों? अब हो जाना चाहिए, अब हो गया, अब मेरे को लगता है कि अब खींच रहा है ज़्यादा, बट अब हो जाना चाहिए, अब लास्ट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और क्योंकि फिर वो चीज़ हो जाती है अब इतना सीनियर प्लेयर, अब लास्ट वो आईपीएल जीत भी गए थे उसके बाद फिर एक और थोड़ा, अब मेरे हिसाब से क्यों लगता है आपको, क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं वो अपने आप को? अब वो नहीं पता मुझे, वो तो खैर वही बता सकते हैं, बट हाँ ये है कि मेरे को लगता है अब हो गया टाइम धोनी का भी और वैसे भी, अब नए प्लेयर्स को आ जाना चाहिए। अब अच्छा किसको कैप्टन बनना चाहिए धोनी के बाद चेन्नई में? कोई यंगस्टर हो तो बेटर है, कोई फॉरेनर ना हो, इंटरनेशनल प्लेयर ना हो तो बेटर है, इंडिया को कोई यंगस्टर हो। क्या लगता है जब तक धोनी एक दो साल जितना वो खेलेंगे उनको वो कैप्टन प्रिपेयर कर देना चाहिए अपनी लीडरशिप के अंडर ही, क्योंकि अब उनको हट जाना चाहिए कैप्टनसी से? हाँ हाँ हाँ, जैसे उन्होंने मेरे को लग रहा है बहुत टाइम बाद अपनी नेशनल टीम से भी बहुत टाइम बाद ही उन्होंने अपट खेले थे, जब विराट कोहली था तब भी वो खेले थे, ऐसे अभी करना चाहिए, मानो अगर एक दो खेलते भी हैं तो कैप्टनसी से हट जाएँ, किसी और को प्रिपेयर करें और उनको गाइडेंस करें। वैसे कि जब तक क्या कहते हैं, लेकिन जडेजा को ट्राई करा था दो साल पहले लेकिन वो फॉर्मूला चला नहीं कैप्टन का, तो फिर से धोनी इसीलिए बने, तो क्या लगता है वो धोनी का जब तक नाम रहेगा चेन्नई रहेगा वैसे? मेरे को तो ये चीज़ जरूर लगती है कि जब तक धोनी है तब तक तो होना ही चाहिए वो क्या कहते हैं कैप्टन तो होना ही चाहिए, लेगेसी मतलब कैप्टनसी वो डिजर्व करते हैं ऐसे, वो वाली बात उससे तो नहीं हटाना चाहिए जब तक मतलब वो हैं, जब तक खेल रहे हैं जब तक वो कैप्टन होने चाहिए। अच्छा अभी इलेक्शंस की वजह से आईपीएल रुकेगा बीच में, तो क्या लगता है कौन सी टीम को नुकसान हो सकता है? ये तो नुकसान तो हो सकता है आरसीबी को, अब इतना मेरे को इस चीज़ का नहीं पता कि कोई क्या ऐसे नुकसान क्या नुकसान। हाँ बट ये अगर कोई बहुत अच्छा टीम टॉप पे होगी, कोई टेबल टॉप कर रही होगी और उसका बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा होगा, हो सकता है बीच में गैप आने की वजह से उनका मोमेंटम ब्रेक हो जाए, वो तो डिपेंड करता है कैसे आपका आईपीएल आगे बढ़ेगा। अच्छा एमआई क्या फैन हो आप, सीएसके के फैन हो, दोनों को ग्रेटेस्ट राइवल कहा जाता है, दोनों 5-5 बार ट्रॉफी जीते हैं, एक दूसरे को क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि अब मैं कोई बहुत ज्यादा आरसीबी जीते ये क्या बात हुई अभी, आप चेन्नई कह रहे थे आप, तब भी कोहली किंग तो है ही भाई अपने, तो चाहता हूँ एक बार तो जीत ही जाए। अच्छा कल फिर आरसीबी और चेन्नई का मैच है, उसको उसमें किसको सपोर्ट करोगे? फिर तो चेन्नई एंड फाइनल जीत जाए ना पहले सारे मैच थोड़ी बट हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तगड़ा राइवल या बहुत ज़्यादा कोर डायहार्ड फैन हूँ, बट हाँ ये है कि ठीक है जो बेटर खेल रहा है अच्छा है, बट एक पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है। क्या लगता है छठी ट्रॉफी दोनों में से कौन पहले जीतेगा? मेरे को लगता है इस बार हो सकता है कि मुंबई इंडियंस और सीएसके शायद दोनों ही ना जीते, मैं सपोर्ट भले मुंबई को करूंगा बट शायद दोनों ही ना जीते, मेरे को ऐसा लगा। क्या मैसेज क्या दोगे मुंबई को और हार्दिक को? मेरे मैसेज से तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, बट यही है कि गो ब्लू गो मुंबई, अच्छा करो भाई। और क्या? आप क्या कहोगे धोनी को? पहले तो प्रणाम दूसरा बेस्ट ऑफ लक, अच्छा तो करेंगे उसमें कोई वो है नहीं, बस जीतो भाई और क्या, छठी बार जीत जाओ।